हेलो फ्रेंड्स, थ्रीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम सफ़र में ले जा सकते हैं। और हमारा अपना कोई बाहर मुल्कों में पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में रहता हो तो उसे ये भेज सकते हैं ताकि वो कम टाइम में दाल चावल या खिचड़ी के साथ इसका लुत्फ़ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है और अब इसमें अनियन ऐड करना है। सावधानी से ऐड करें और इसे फ्राई करें। इसे बीच बीच में चलाते रहना है हमें। ये बहुत ज़्यादा अनियन है, एक्चुअली मैं ज़्यादा अनियन फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसे डब्बे में बंद करके रख देती हूँ फ्राइड अनियन को, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे यूज़ करती हूँ। जैसे ही ये थोड़ी सी ब्राउन होने लगे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये गर्म तेल में खुद ब खुद फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से इसे निकाल लेना है तेल को थोड़ा सा निथार कर। तो अब सेकंड स्टेप ये है कि हम एक पैन में सिंगदाने को रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से फ्राई हो गया है। इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं और ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे इसका छिलका, या फिर किसी कपड़े में रख के उसे मसल के इसका छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलके इसके निकाल लिए हैं। अब एक मिक्सर जार में इसे 2 बार करके मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। अब एक पैन में हम 1.5 टेबल स्पून तेल गर्म करेंगे और इस गर्म तेल में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, 2 टीस्पून हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और इसे लो फ्लेम पे हम 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी जो हम शेंगदाना पीस के रखे हैं वो ऐड कर देना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है और इसमें फ्राइड अनियन जो फ्राइड करके रखी थी वो आधी सिर्फ ऐड करना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून से भी कम या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। और अच्छे से इसे एक बार और मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये बहुत इजी है, हम घर में भी बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी डब्बे में। और इसे हम दाल चावल या खिचड़ी के साथ, जब भी हमें टाइम ना रहे फट से दाल चावल या खिचड़ी बनाएँ और इसके साथ खा लिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसे मैंने एक डब्बे में रख लिया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें।